गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम जो मैप वर्क है आपका उसे करेंगे। ये पूरी लिस्ट दी हुई है मार्क करने के लिए मैप वर्क की। हम इसको प्रॉपर एक एक में, जैसे हड़प्पा है फिर बनावली है, ऐसे पूरा मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बुक वन, बुक टू और बुक थ्री का होगा डिस्कशन इस वीडियो में। एंड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको जगहें याद है तो ग्रेट, अगर नहीं याद तो मैं बिल्कुल जीरो से करवाऊंगी, क्योंकि मैप वर्क तो आपको मार्क किया हुआ बहुत जगह से मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसे मार्क करवाऊं कि आपको याद भी रहे कंटेंट, तो सारी गेम तो उसमें है। तो इसीलिए आज हम ना ही सिर्फ चैप्टर को याद करने वाले हैं, मैप वर्क को समझेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए तो हमें डर ना लगे कि अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। और जो भी इम्पॉर्टेंट मैप वर्क्स अगर मुझे लगेंगे कि यार ये बुक के पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। वैसे भी मैं अपनी सारी पीडीएफ्स वगैरह उस पर अपलोड करती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो फर्स्ट बुक है आपकी उसको करेंगे। फर्स्ट बुक के मैप वर्क में, जैसे कि आप इस लिस्ट को देख सकते हो, मैंने ये लिस्ट डाउनलोड करके भी यहाँ पे रखी हुई है। इस लिस्ट में फर्स्ट, सबसे पहले आपको हरप्पा सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग है, तो हम सबसे पहले अभी उसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने एक पॉलिटिकल मैप ले लिया था, इसमें मैं ड्रॉ कर करके आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हमें हरप्पा सिविलाइजेशन को मार्क करना है। तो देखो, ये इंडिया का मैप है। अब देखो, एक बहुत क्लियर कट बात हमें पता है कि जब हम हरप्पा सिविलाइजेशन यानी कि चैप्टर वन का मैप कर रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ इस वाले पार्ट का ही, जो भी आपको पूछी जाएगी जगह वो इसी में ही कहीं मार्क होगी, या पाकिस्तान के एरिया में या इंडिया के एरिया में। ना हम इधर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट, ना हमें साउथ इंडिया जाने की जरूरत है। हमारा काम लगभग इतने एरिया में, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इतने एरिया में ही हमारा पूरा का पूरा चलेगा मार्क। तो फर्स्ट है हरप्पा, तो हरप्पा मार्क करने के लिए आपको देखना है हरप्पा और मोहनजोदारो, जो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, ये इंडिया में नहीं है। तो हरप्पा कहाँ पे मार्क होगा आपको? ये जो राजस्थान और पंजाब के बीच में की लाइन जा रही है, चलो मैं आपको प्रेजेंट वाली स्टेट्स ना भी बताऊं, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप वैसे ही याद कर लो। ये जो एक लाइन जा रही है यहाँ पे, आपको यहाँ से एक बस सीधी डॉट, और बस यहीं पे ही आप थोड़ा सा साइड में इसके, आप इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ, या चलो इसको मार्क ही कर लेते हैं दूसरे कलर से, कि आपको याद रहे, हमारा मेन पर्पज वो है। तो मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ी और मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है किसको, हरप्पा सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे मेरी कौन सी सिविलाइजेशन मार्क हो रही है, हरप्पा। मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है, तो आप साथ में ही मार्क कर लीजिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, कंफ्यूजन भी ना रहे। हरप्पा का एच हम कर लेते हैं कैपिटल। ठीक है, ये हो गया आपका हरप्पा सिविलाइजेशन का हरप्पा। अब हम सेकंड पे चलते हैं, वो है बनावली। तो अगर हम बनावली की बात करें, तो ये जो आप देख रहे हैं हरियाणा, तो हरियाणा में जो ये वी आ रहा है, तो थोड़ा सा क्लोजअप कर लेते हैं, ये जैसे ये वी आ रहा है यहाँ पे, तो इस वी के, जैसे बनावली के स्पेलिंग क्या होते हैं, बनावली के स्पेलिंग होते हैं बी ए एन ए W A L I, बनावली। तो बनावली में जो W आ रहा है ना, उससे आप याद रखना कि ये W का हमारे को याद रख के, ये जो V आ रहा है इसके बस बिल्कुल साइड में, यहाँ पे ये डॉट लगा दी मैंने, और ये आपका है बनावली। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, ये बनावली हुआ और ये आपका हरप्पा हुआ। आगे चलते हैं सेकंड पे, थर्ड है कालीबंगन। तो जो ये
बिल्कुल टॉप में राजस्थान की। यहाँ पे देखो मैंने बताया ना, इसी में हमारी सारी गेम चलेगी। तो यहाँ पे आपका ये डॉट लगा दिया, ये है कालीबंगन, बिल्कुल ऊपर है। और ये आप देख लो बनावली जो है, बनावली के बिल्कुल सामने ही लाइन पड़ रही है और ये आपको कालीबंगन मिल रहा है। मैं इसको एक रेफरेंस के तौर से मैं ये डॉट लगा रही हूँ, क्या देख सकते हो ये बिल्कुल यहाँ के सीधा क्या आ रहा है आपका, कालीबंगन आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है बालकोट, तो बालकोट ये भी बालाकोट ये पाकिस्तान में आता है। अब मैप जो है ये इंडिया वाला है, तो अब हम यहाँ पे कैसे मार्क कर सकते हैं कि मैं, काफी बच्चे क्या करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में है तो ये एक बड़ी कॉमन सी एरर होता है, वो इसको यहाँ मार्क कर देते हैं जबकि ये यहाँ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मैं बार बार इरेज कर रही हूँ कि कभी ऐसा हो कि आप कोई पॉइंट स्किप करके आप उसी को ही ना मार्क कर लो। तो ये यहाँ से जब आप सीधा आगे की तरफ जाते हो तो ये कहीं आगे जाके होता है, बट क्योंकि ये मैप यहीं तक है तो इसको आपको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके फिर वहां पे जब आप मार्क करोगे तो वहां पे ये आप यहाँ भी कर लो एंड में, तो ये आपका पड़ जाएगा बालकोट। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम, तो वो आप याद रखिएगा, ये यहीं मत मार्क कर देना बिल्कुल भी इसको। आगे चलते हैं, राखी गई जो बनावली है ना, इसके बिल्कुल चाहिए जो यहाँ पे बस हल्का सा नीचे, इसको आपने यहाँ मार्क कर लो। तो बनावली को पॉइंट रख के आप इसको कालीबंगन को भी याद रख सकते हो, और अब आपको एक और जगह भी याद हो जाएगी उससे, राखी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला मैं लिस्ट में देखती जा रही हूँ, मैंने अपने फोन में लिस्ट ओपन की हुई है। धोलावीरा, सिक्स्थ हमारा है धोलावीरा, ये आप इसमें चेक कर लेना जो मैंने लिस्ट, ये मैं शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम पे। तो ये हमने हड़प्पा कर लिया, बनावली कर लिया, कालीबंगन कर लिया, बालाकोट कर लिया, राखी गई कर लिया, अब हम धोलावीरा पे आ गए हैं। तो धोलावीरा मार्क करते हैं अब हम, तो धोलावीरा आपको गुजरात में आना है और गुजरात के बिल्कुल टॉप पे जो ये वाला एरिया पड़ रहा है, मतलब आप हड़प्पा से अगर बिल्कुल नीचे लाइन में आएंगे और हल्का सा साइड पे आके यहाँ पे ही आपको मार्क करना है। अब इसको रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं आपको एक रेफरेंस दे देती हूँ, ये हड़प्पा से हम नीचे आ रहे हैं और फिर हम इधर आ गए हल्का सा, तो ये आपका क्या हो गया, आपका धोलावीरा। और धोलावीरा तो वैसे भी हमें पता है कि जब हमने ये रियलाइज किया था कि मोहनजोदारो, हड़प्पा जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो सिविलाइजेशन की, वो सारी तो पाकिस्तान चली गई, तो हमारे यहाँ के रिसर्चर्स को भी कुछ चाहिए था रिसर्च करने के लिए, तब उन्होंने इसको धोलावीरा और ऐसी ये सब साइट्स को डिस्कवर किया गया था, तो इस करके भी हम इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला है नागेश्वर, तो ये बिल्कुल टिप पे है यहाँ पे ये नागेश्वर। तो ये सारी इंडियन साइट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो साइट्स थी वो पाकिस्तान में चली गई, बट हमें जो भी जगह आप यहाँ पे मार्क कर रहे हो उसमें आप ये याद रखना कि इसका रेलेवेंस क्या है। जैसे शोरतुघई वो अफगानिस्तान में है, उसको हम मार्क नहीं कर रहे इस पे, बट वहां पे शेल्स मिलते थे, क्यों, क्योंकि वहां पे सी था। तो ऐसे करके जो ये जगह है इसका भी रेलेवेंस आपको याद होना चाहिए, तो उससे एक ना हेल्प हो जाती है। तो ये नागेश्वर हो गया, आगे लोथल, तो लोथल बिल्कुल इसके आप धोलावीरा, नागेश्वर और ये यहाँ ये लोथल है यहाँ, तो ये गुजरात वाले एरिया में ही पड़ रहे हैं। तो ये दिस यू कैन रिमेम्बर इजीली कि ये हमारे इंडिया में ही गुजरात में पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मोहनजोदारो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट जगह है जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब कहाँ थी, ये थी पाकिस्तान में, तो मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है। जो आप ये एज देख रहे हो, इस एज से हल्का सा आगे जाके हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मोहनजोदारो। हाँ, तो हम मोहनजोदारो की बात कर रहे थे, तो ये यहाँ पे बिल्कुल ये जो कर्व है
इस कर्व के इधर, इसका बालाकोट से रेलिवेंस मत लेना कि ये बालाकोट मैंने एक पॉइंट से मार्क किया था, भाई थोड़ा सा आगे जाके है ये इसके भी बाल। तो ये आपका हो गया मोहनजोदारो। एक मिनट यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदारो हो गया। अब हम बात करते हैं चुन्हुदारो की, तो चुन्हुदारो भी यहीं पे ही है। मोहनजोदारो से बिल्कुल हल्का सा यहाँ नीचे, यहाँ है चुन्हुदारो और यहीं इस इन दोनों के बीच में इधर एक ट्राइंगल सा क्रिएट कर रहे हैं ये है कॉट दिलजी दिजी कॉट दिजी, ये आपकी चॉइस है, आप याद करना चाहो तो। अदरवाइज एक मिनट, ये जो बालकोट है मैं इसको हल्का सा इधर कर देती हूँ, और यहाँ पे है हमारा चुन्हुदारो जो कि एक सेटलमेंट माना जाता है, क्राफ्ट पर्पस की सेटलमेंट होगी, और ये काफी छोटी सेटलमेंट है, तो यहाँ से शायद जो क्राफ्ट प्रोडक्टेड चीजें थी वो मोहनजोदारो या हड़प्पा जैसे सिविलाइजेशंस में भेजी जाती होंगी ऐसा माना जाता है। तो ये हो गई आपकी कॉट दिजी, और ये लगभग सारी ही जो आपकी मैप में दी गई हैं जगहें आप देख सकते हो, हड़प्पा बनावली कोलकालीबंगन बालकोट राखीगढ़ी धोलावीरा नागेश्वर लोथल मोहनजोदारो चुन्हुदारो पोती दीजिए, ये सारी मैंने आपको मार्क करा दी हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हो। इस लिस्ट को मैं रेफरेंस के तौर से टेलीग्राम पे डाल दूंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, और अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। फालतू की कोई बात नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ काम की बात करते हैं हम, कोई प्रमोशनल वीडियोस वगैरह कुछ नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ काम की चीज़ें होती हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आपको फॉलो करना हो तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी यही था आज के लिए, पूरा मैप वर्क हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। मिलती हूँ अब मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।